दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत लग सकता है आपको देखने से, ठीक है, क्योंकि ये लोग ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, ठीक है, तो ये लोग शायद गॉड को ना मानते हो, बट जैनिज्म गॉड को मानता है। हालांकि जो जीन है, जैसे कि महावीर एक जीन है, ठीक है, जीन का स्टेटस गॉड के ऊपर है, पर गॉड को ये लोग मानते हैं तो हाँ मानते हैं। इट डिड नॉट कंडेम द वर्णा सिस्टम, ये भी सही है। इनका मानना था कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो शूद्र का जन्म शूद्र वर्ण में इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने पिछले जन्म कुछ पाप किया होगा। अब अगर इस जन्म में ये कुछ अच्छा काम करता है तो इसको भी निर्वाण कैवल्य मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लोग वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं करते, वो लोग मानते थे कि तुम्हारे पापों का ही फल है, पाप करना बंद कर दो तो फिर आगे चलने में तुमको या तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, और अगर बहुत अच्छे से तुम जीवन देते हो, पंच महाव्रत इत्यादि का पालन करते हो, तो तुम्हें इन सब में जन्म मृत्यु से ही तुम्हारा बंधन खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। दे यूज पाली लैंग्वेज टू प्लीज देयर डॉक्ट्रिन्स, गलत है दोस्तों। जैन रिलीजन में बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज का यूज हुआ है, एटलीस्ट इनिशियली पाली लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ है। वन और टू से थर्ड गलत हो जाएगा, राइट आंसर ए वन एंड टू।